Assalamu alaikum students, I hope you are fine and quite hale and hearty. बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए पढ़ाई का भी ख्याल रखना होगा, ये ना हो कि पढ़ाई की सेहत कमज़ोर हो जाए. So you have to be very much alert about your study matters and all your things you are doing well and good. So God bless you all. आज हमने लास्ट टाइम वो पोइम आपको कंप्लीट की थी, इसका टेक्स्ट द लेक आइल ऑफ इनिस फ्री, इसका हमने समरी भी पढ़ ली थी और टेक्स्ट भी पढ़ लिया था. आज मैं आपको एमसीक्यूज और इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरह हम तरफ तवज्जो करते हैं ताकि ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए पोइम का. पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, द पोइम हैज़ बीन रिटन बाय, किसने लिखी थी? विलियम बटलर येट्स. तो इसको डब्ल्यू बी येट्स भी कह देते हैं, उसका आपने ध्यान रखना है. An evening full of the dash wings. वो इवनिंग किस तरह से फुल थी? लिनट्स विंग्स. लिनट एक बर्ड का नाम है, सॉन्ग बर्ड जिसे कहते हैं, गाने वाला परिंदा, उसे कहते हैं लिनट्स. तो यहाँ आप लिखेंगे लिनट्स विंग्स. आगे है, आई हियर इन द डैश हार्ट्स कोर. अच्छा जी, हार्ट्स कोर तो यानी जो दिल की गहराई थी वो कहाँ तक थी? वो कहता है डीप हार्ट्स कोर, दिल की बहुत ज़्यादा गहराई के में, वो जो भी आगे उसने डिस्क्राइब किया था आइडिया. कंप्लीट दिस फ्रेज विद द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन. अप्रोप्रिएट कहते हैं मुनासिब को. तो कंप्लीट द फ्रेज, यहाँ आपने कंप्लीट फ्रेज करना है बुक के हवाले से, बाय हुक और डैश क्रूक. तो ये आप लिखोगे बाय हुक और बाय क्रूक, यानी जायज़ और नाजायज़ तरीके से. ये एक मुहावरा बोला जाता है इंग्लिश में, By hook और by crook, यानी जायज़ और नाजायज़ तरीके से, इसका मतलब है. तो आपने याद रखना है by आएगा. And a small cabin built there. Identify the adjective in the sentence. इसमें आपने बताना है adjective कौन सा है, तो वो आ जाएगा small. Small cabin built there. Cabin मैंने छोटा सा कमरा. A dash is a word which shows the relationship between two or other words in sentence. तो उसकी क्या तारीफ होती है, जो एक वर्ड को जो उसके जो लिंक होता है, रिलेशनशिप होता है, दूसरे दो अल्फाज के साथ जोड़ देता है, उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन. जैसे टू, विद, ऑन, अंडर, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं. आइडेंटिफाई द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट, तो वो जिसमें हैज़ और हैव आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. तो आई हैव वॉन द प्राइज, ये हो जाएगा. Identify the past perfect. Past perfect जो होता है उसके अंदर had आ जाता है और वर्ब की थर्ड वर्ब फॉर्म आ जाती है, तो वो he had not trusted me, ये आपका हो जाएगा past perfect tense. I will be writing a letter in an example of. ये किस किस्म की example होगी, यानी जुमले की, active voice की, तो ये active voice होगा. I will be writing. अगर ये होता passive voice तो हो जाता A letter will be written, ये shape हो जाती, तो आप ध्यान रखेंगे. When subject is being given importance in a sentence, जब किसी जुमले के अंदर subject को अहमियत के साथ बयान किया जाए तो उसे कहते हैं active voice. लेकिन जब किसी object को अहमियत के साथ बयान किया जाए तो उसे कहते हैं passive voice. ये वैसे याद रख लें या information के लिए. We use dash form of verb in passive voice. कौन सी form लगती है? आपने याद रखना है हमेशा थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की. ऑलवेज 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 थर्ड फॉर्म. सो दिस इज लास्ट पॉइंट आपसे पूछा जा रहा है, ही डाइड डैश कॉलरा. तो आप ध्यान रखें, जब भी कोई शख्स बीमारी से मरेगा, कॉलरा कहते हैं हैजे को, ये हैजा होता है बीमारी, तो इससे जो मरेगा उसे ऑफ कहते हैं. ही डाइड ऑफ कॉलरा, इस तरह आप इसे कंप्लीट करेंगे. एक्सीडेंट से जो मरता है उसे फ्रॉम कहते हैं, ही डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट. डाइड ऑफ बीमारी से मरना, डाइड फ्रॉम एक्सीडेंट से मरना. बी केयरफुल, यहाँ नहीं है लेकिन जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए बताया गया है. ओके बेटा, क्वेश्चन आंसर की तरफ जरा तवज्जो कीजिए, ये मैं एक मरतबा पढ़ा देता हूँ. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लमैटिक इशूज सो वी कैन सॉल्व हेयर. इसको जरा आप फोकस होगा, किताब साथ रख लें या इस तरह वीडियो से ही देख लीजिएगा, एज यू लाइक. तो पहले सवाल आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई डू यू थिंक द पोएट सेज ही इज गोइंग टू हैव 9 बीन रोज एंड हाइव.
आपका क्या ख्याल है कि शायर जो है वो बीन उगाएगा और वहाँ पर मक्खियों का छत्ता अपने पास रखेगा, क्या मतलब? द पोइट वॉन्ट्स टू हैव हिज ओन सप्लाई ऑफ फूड, वो चाहता है कि उसके अपना खाना पीना उसका अपना वो अरेंज करे, और बीन रोज शेल बी ग्रोन फॉर फूड, और बीन्स को वो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करेगा, एंड हाइव शेल बी केप्ट फॉर हनी, और शहद की मक्खियों को वो शहद हासिल करने के लिए वहाँ रखना चाहता है। वट डज द पोइट फाइंड सो अट्रैक्टिव अबाउट द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, उसके अंदर और उसको सबसे ज़्यादा अहम खूबसूरत चीज़ क्या लगती है? द सॉलिट्यूड क्वाइटनेस एंड ब्यूटी ऑफ द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री अट्रैक्ट द पोइट, उसको वहाँ तन्हाई, सॉलिट्यूड, क्वाइटनेस, खामोशी, ब्यूटी, खूबसूरती, वो ये सारी चीज़ें उसको वहाँ अच्छी लगती हैं। वट वर्ड्स डज द पोइट यूज टू डिस्क्राइब हाउ कामनेस एंड ट्रैंक्विलिटी विल कम टू इनिस फ्री, पोइट जो है वो ये यानी वहाँ पुरसकून और खामोशी को, ट्रैंक्विलिटी, पुरसकून, कामनेस, खामोशी, उस पुरसकून और आरामदेह माहौल को वो किन अल्फाज में बयान कर रहा है? द पोइट डिस्क्राइब्स देम एज कमिंग स्लोली, वो उन्हें बयान करता है कि कमिंग स्लोली, कि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ सुकून की माहौल पैदा होना शुरू हो जाता है। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब मिडनाइट, नून और इवनिंग, यानी रात का वक्त, दोपहर का वक्त और शाम के वक्त को वो किस तरह बयान करता है? द पोइट सेज दैट मिडनाइट इज ऑल अ ग्लीमर, कि रात का वक्त ग्लीमर होता है, चमक होती है, विद द लाइट ऑफ द स्टार, सितारों की रोशनी के साथ। द नून जो है इज ए पर्पल, नून पर्पल कलर का होता है, दोपहर का वक्त उसमें रोशनी चमकती है सूरज की। एंड देन इवनिंग इज फुल ऑफ द विंग्स ऑफ द लिनट, और जो शाम है वो लिनट जो सॉन्ग बर्ड है उसके खिले हुए यानी खुले हुए परों की खूबसूरती की तरह शाम होती है, ये उसकी अपनी सोच है। वट डज द एक्सप्रेशन पेवमेंट ग्रे सजेस्ट, जब आप ये पेवमेंट ग्रे पढ़ते हैं तो आपके ध्यान में किस तरह शायरी से बयान कर रहा है? पेवमेंट ग्रे सजेस्ट अ पेव्ड रोड इन अ सिटी और टाउन, ये असल में इशारा करती है कि वो शहर की बात कर रहा है या किसी टाउन की बात कर रहा है जहां पर सड़कें पक्की होती हैं, पेवमेंट ग्रे, पक्की सड़क। वट इज सो स्पेशल अबाउट द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई द फॉलोइंग लाइन, आई हीयर लेक वॉटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, इस लाइन से आप क्या समझते हैं? इट गिव्स अ सेंस ऑफ अटमोस्ट काम एंड क्वाइटनेस, ये लाइन पढ़कर हमें वहाँ की पुरसकून माहौल की एहसास होने लगता है। वट साउंड इज द पोइट लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर इन इस फ्री, वो इन इस फ्री में किस किस्म की आवाज़ सुनने को तलब करता है यानी ख्वाहिश करता है? द पोइट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर द फॉलोइंग साउंड्स, वो चाहता है कि वहाँ पर बजिंग ऑफ बीज, शहद की मक्खियों की साउंड सुनाई दे उसे, द लैपिंग ऑफ द लेक वॉटर अगेंस्ट द शोर, साहिल समंदर पर टकराती हुई लहरों की आवाज़ें सुनाई दें उसे, लैपिंग मैंने लहरें जो टकराती हैं, एंड द साउंड ऑफ लिनट्स, और वो परिंदों की आवाज़ को सुनना चाहता है। वट डू यू थिंक इज मेंट बाई डीप हार्ट कोर, उसके दिल की गहराइयों के से क्या मुराद है? इट मीन्स द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर माइंड, असल में वो हमारे दिमाग की गहराइयों की सोच की बात करना चाह रहा है। तो आप याद ध्यान रखें ये क्वेश्चन आंसर्स हैं और इस तरह आप इसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारी जो पोएम है इंशाल्लाह डैफोडिल्स होगी, देखते हैं इसको हम साथ ही वाइंड अप करें या उसके साथ कुछ और करें, यानी प्रैक्टिस के लिए कुछ इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो साथ हम देखेंगे तीनों चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच टुडे, ये आप याद रखिए और इसे प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट हम न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे।